प्रिय छात्राः मधुआप द्वारा आयोजित संस्कृत कालांशं प्रति युष्माकं स्वागतम। पिला माने तुम्हें पर्दा उपरे किछि चित्र देखि पारुथिब, हाँ तुम्हें माने निश्चय बुझि पारुथिब, जानि पारुथिब, ये होचंदे जातिर पिता महात्मा गांधी एवं ये होचि गोटे घंटा। तो आमे जानि पारुथिबा जे महात्मा गांधी जेतेबेले भी जेउठिकु जाऊथिले से सबुबेले तांको साथीरे घंटा को सी धरिकी जाऊथिले, सबुबेले सबु समय रे तांको पाखरे ए घंटाटे रहुथिला। तो ए चित्र को देखि तुम्हें माने कौन जानि पारुछ, हाँ महात्मा गांधी पिला माने सबुबेले ठीक समय रे ठीक काम करुथिले, से बहुत समयानुवर्ती थिले। समयानुवर्तिता जो गुण आमे महात्मा गांधी को ठारु सिखि पारिबा। तो परवर्ती चित्र देखिबा पिला माने, देखो दशवादनम दशटा समय छात्र छात्री माने कौन करछंती ना विद्यालय को जाउछंती। चतुर्वादनम चारिटा समय पिला माने छात्र छात्री माने कौन करछंती ना विद्यालय रो घर को फेरुछंती। तो से माने ठीक समय रे ठीक काम करुछंती नै कि, तेणु से माने समस्ते समयानुवर्ती अटंती, तेणु समयानुवर्तिता गुण को समस्ते पालन करंती। देख पिला माने सकाळ समय सूर्य उदय होउछंती, पक्षी माने मध्य सकाळ समय रे निज बसा को परित्याग करी खाद्य संग्रह पाए अनेक दूर को उड़ी जाई थांती। तो से माने मध्य ठीक समय रे ठीक काम करी समयानुवर्तिता गुणटीर परिचय प्रदान करिथांती। तो सेई समयानुवर्तिता कौन, सेई गुणटीर पालन कले आमे आम जीवन रे कौन सुफल पाई परिबा, से विषय रे गोटे सुंदर पाठ आम संस्कृत बही रे अछि जहाकु आमे वर्तमान पढ़िबा। समयानुवर्तिता देख, अयम विषयः डॉक्टर कुमारचंद्र मिश्रेण रचितः। इदानींतन समाजे जनेषु समयानुवर्तितायाः नितराम् अभावः दृश्यते। समयानुवर्तिता कस्यचित् प्रतिष्ठित जनस्य महान् गुणः। छात्राणां स्वभाव परिवर्तनाय अयम् विषयः पुस्तकेस्मिन् प्रदत्तः। पिलामाने वर्तमान आमे जो विषयटी को पढ़ुचे समयानुवर्तिता, यही विषयटी को डॉक्टर कुमारचंद्र मिश्र महोदय लिखिचंती, तेणु अयम विषयः डॉक्टर कुमारचंद्र मिश्रेण रचितः। यही विषयटी डॉक्टर कुमारचंद्र मिश्रंक द्वारा रचित होइअछि। इदानींतन समाजे जनेषु समयानुवर्तितायाः नितराम् अभावः दृश्यते। वर्तमान समाज रे लोकमानंक मध्यरे समयानुवर्तिता र अतिशय कौन है अभाव देखा दिउछि। तो समयानुवर्तिता कस्यचित् प्रतिष्ठित जनस्य महान गुण। पिला माने आमे जानिछे वर्तमान देखिले जे गांधीजीक विषय रे जेकोनोसी प्रतिष्ठित लोकंकर विषय रे आमे जानिबा ताहाले से माने समस्ते समयानुवर्ती अटंती। तेणु ए जो समयानुवर्तिता कौनसी एक प्रतिष्ठित लोकर महान गुण अटे। तो वर्तमान आम कहीं पढ़ुचे विषयटी ना छात्राणाम स्वभाव परिवर्तनाय अयम विषय पुस्तके अस्मिन् प्रदत्तः। ए जो छात्र मानकर स्वभाव परिवर्तन पाई एही विषयटी को एही बहिरे दिया जाइछि, आमे जहाँ को वर्तमान आमे पढ़िबा। तो छात्र माने किपरि समयानुवर्ती होई पारिबे एवं समयानुवर्तिता विषय रे जानिले सेमानंकर स्वभाव रे परिवर्तन आसीबो सेतिपई वर्तमान आमे विषयटी पढ़िबा। वर्तमान आमे विषय को पढ़िबा, देख माधवः ग्राम विद्यालये पाठं समाप्य उच्च विद्यालयम् अगच्छत्। एकस्मिन् आवासिक विद्यालये नामोलेखम् अकरत्। पिता विद्यालयस्य छात्रावासे स्थातुं व्यवस्थां कृत्वा सर्वाणि साधनानि तस्मै दत्तवान्। तो
ए अनुच्छेद रे किछि संधियुक्त पद अछि पिला देखौ जिमिति विद्यालय पाठम समाप्य उच्च विद्यालय मगछत इठी गोटे संधियुक्त पद अछि एकस्मिन आवासिक विद्यालय नामोलेखम अकरत पिता विद्यालयस्य छात्रावासे स्थातुं व्यवस्थां कृत्वा सर्वाणि साधनानि तस्मै दत्तवान ए तो छात्रावासे मध्य गोटे संधियुक्त पद अछि वर्तमान आम एगुड़ी को आलोचना करिबा विद्यालय विद्या युक्त आलय विद्यालय एठी आ परे आ थिबा जोगु एठी कोन हेचे आ होई जाइछि तनो विद्या युक्त आलय विद्यालय ठीक से परे देख विद्यालय अगछत यार संधि विच्छेद कोन हेबो ना विद्यालयम युक्त अगछत मोरे हलंत अछि एवं हलंत म परे अ थिबा जोगु एई अटी मिसी कौन है विद्यालय मगछत म हो जाए विद्यालय मगछत परवर्ती पद को देखा नामोलेख मकरत तो नाम युक्त उल्लेख युक्त अकरोत नामोलेख मकरत तो एठी म परे उ अच्छी म हो एवं उल्लेखम मरे हलंत अच्छी परवर्ती अच्छी तेनाली मैं आम जानचे नाम युक्त उल्लेखम युक्त अकरोत नामोल्लेखम अकरोत देख छात्रावासे छात्र युक्त आवासे छात्रावासे किसी कठिन पद मान अर्थ रही देखा देख पाने समाप्य समाप्य मान शेष कर अकरोत अकौरत माने कले साधनानी माने उपकरण गुड़ी तस्मै माने ताहांकु माधवंकु नहीं कि तांकु तो तस्मै कहले तांकु तो दत्तवान देले प्रदान कले वर्तमान आमे वाक्यार्थ को जानिबा देखो माधवः ग्राम विद्यालय पाठम समाप्य उच्च विद्यालय मगछत माधव कौन कले ना ग्राम विद्यालय रे पाठपढ़ा शेष कर उच्च विद्यालय को गले तो परवर्त समय कौन है ना एकस्मिन आवासिक विद्यालय नाम उल्लेखम करत गोटे आवासिक विद्यालय से कौन कले नाम लिखाइले तापर कौन है ना पिता विद्यालय से छात्रावासे स्थातुम व्यवस्थाम कृत्वा सर्वाणी साधनानी तस्मै दत्तवान तो माधवंकर बापा कौन कले ना विद्यालय छात्रावास रहिबाकु माधवंकर नहीं कि तो रहिबाकु व्यवस्था करी सर्वाणी साधनानी समस्त उपकरण कौन कले तस्मै दत्तवान कहाकु ना माधवंकु देले जहाँ से नित्य व्यवहार करिवे से सब उपकरण गुड़ी को से प्रदान कले देख ये होंगे से माधव जे कि ग्राम विद्यालय पाठ पढ़ुले परवर्ती समय से कौन कले ना उच्च विद्यालय नाम लिखाइले से उच्च विद्यालय टी गोटे आवासिक विद्यालय थिला जो पाने रहीकि पाठ पढ़ुले देख कि सकारण विभक्ति आम आलोचना करिबा रेखांकित तो पद मानकर सकारण विभक्ति विषय आम आलोचना करिबा देख माधव ग्राम विद्यालय पाठम समाप्य उच्च विद्यालय अगछत माधव कौन करथिले ना ग्राम विद्यालय पाठ पढ़ा शेष कर उच्च विद्यालय को जाइले तो ये पाठम माधव हूँ कर्ता एवं पाठम ये हूँ कर्म तेणु ये कर्म कारक हो कर्मणी द्वितीया होवर्ती देखा वाक्य को आवासिक विद्यालय नामोल्लेख अकरत नाम उल्लेख मकरत देख आवासिक विद्यालय आमे बालक शब्द जानिचे बालक शब्दर सप्तम व्यक्ति एक वचन बालके सिंति विद्यालय विद्यालय तेणु ये तो सप्तम व्यक्ति होइचे किंतु काहेकि होइचे ना अधिकरण स्थान अधिकरण बा अधिकरण कारक जगु इटे अधिकरण सप्तमी होइछ परवर्ती वाक्य को देखिबा पिता सर्वाणी साधनानी तस्मै दत्तवान तो एठी सर्वाणी साधनानी समस्त उपकरण गुड़ी को तो आम जानचे
ये हूँ सर्वाणी साधनानी समस्त उपकरण गुड़ी तो ये मध्य द्वितीय विभक्ति कहीं कर्मकारक द्वितीय विभक्ति तेणु कर्मणी द्वितीय परवर्ती देख पिला माने पिता सर्वाणी साधनानी तस्मै दत्तवान एटी सर्वाणी साधनानी तले रेखा अछि किंतु एटी तस्मै तले अछि तो एटी देख पिता समस्त साधन गुड़ी से कौन करथिले तांको प्रदान करथिले तेणु दत्तवान दान करिबा तो संप्रदान कारक जोगु एटी संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति हुई अछि। वर्तमान आमे किछि वाक्य रचना देखिबा अनुच्छेद रे अछि दत्तवान देख पिला माने दत्तवान एही क्रियापदटी अतीत काल को बुझौछि एवं जहा पुलिंग रे व्यवहार होइछि एवं एक वचन रे तार व्यवहार होई अछि। श्रीकृष्णः ये होछन्ति श्रीकृष्ण ये होछन्ति अर्जुन तेणु श्रीकृष्णः अर्जुनाय ज्ञानं दत्तवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान देथिले तेणु किए देथिले श्रीकृष्ण देथिले तेणु दत्तवान होछि अतीत काल रो क्रियापद तेणु बुझिनेले दत्तवान। वर्तमान आमे परवर्ती अनुच्छेद को पढ़िबा देख विद्यालयस्य प्रथम दिवसः पूर्वस्यां रात्रौ सूचनां प्राप्तवान् नववादने कक्षारम्भः। माधवः विद्यालयं गन्तुं यदा सज्जीभवति तदा नववादनम् अभवत्। अनन्तरं सह मंदं मंदं विद्यालयम् अगच्छत्। जावदसौ कक्षा समीपम् अगच्छत् तावत् सर्वे छात्राः कक्षायाम् उपस्थिताः कक्षायाम् उपस्थिताः आसन् पाठस्य आरम्भः अपि अभवत्। शिक्षकः तस्मै कक्षायाम् उपवेष्टुम् अनुमतिं प्राददात् परन्तु अवदत् भोः छात्र भवान् यथाकालम् आगच्छतु। वर्तमान आमे किछि सन्धियुक्त पद अछि ताको आमे पढ़िबा देख पिला माने कक्षारंभ तो कक्षा युक्त आरंभ आमे देखिथिले जे बंधनी मध्यरे किछि पद थिला जहाकि संधि युक्त पद थिला ताकु वर्तमान आमे संधि विच्छेद करिबा देख कक्षारंभ कक्षा युक्त आरंभ परवर्ती देखिबा विद्यालयम विद्या युक्त आलयम विद्यालयम आमे जानिछे अबा परे अबा थिले आ हुए। नववादनम अभवत नववादनम युक्त अभवत नववादनम अभवत परवर्ती देख पदटी को विद्यालयम अगच्छत विद्यालयम युक्त अगच्छत विद्यालयम अगच्छत। जावदसौ जावत युक्त असौ जावदसौ परवर्ती पद देख कक्षा समीपम अगच्छत तो संधि विच्छेद कले कौन हम कक्षा समीपम युक्त अगछत कक्षा समीपम अगछत आउ किछि संयुक्त पद अछि देखिबा कक्षायाम उपस्थिताः कक्षायाम युक्त उपस्थिताः परवर्ती पद को देखो पाठस्य आरम्भः पाठस्य युक्त आरम्भः पाठस्य आरम्भः ठीक से परे देखिबा कक्षायाम उपवेष्टुम अनुमतिम याकु जदि आमे संधि विच्छेद करिबा कोन हेबो कक्षायाम युक्त उपवेष्टुम युक्त अनुमतिम पाठस्य आरम्भः पाठस्य युक्त आरम्भः पाठस्य आरम्भः प्राददात प्रयुक्त अददात प्राददात प्रदान कले
यथा कालम आगच्छतु। देख यथाकालम युक्त आगच्छतु यथाकालम आगच्छतु किसी संधियुक्त पद थिला जहाँ को आम आलोचना करिनेले। वर्तमान आग को देखिबा किसी कठिन पद मानकर अर्थ गंतुम अर्थात जीवाकू सजी भवती प्रस्तुत हेउची अनंतरम माने एहा परे मंदम मंदम कहले धीरे असौ असौ कहले से अपि अपि कहले मध्य प्राददा प्रदान कले यथा कालम माने ठीक समय रे बर्तन आम विषय टी बुझा देख पाने विद्यालय से प्रथम दिवस विद्यालय प्रथम दिन कार माधवर माधवंकर पूर्वश्याम रात्रो सूचना प्राप्तवान नववादने कक्षा आरंभ पूर्व राति सूचना पाइले माधव नौटा बेले पाठपढ़ा आरंभ माधव विद्यालय गंतुम जदा सजी भवती माधव जेतेबेले विद्यालय को जीवापाई प्रस्तुत होती सज्जित होती तदा नववादन अभव से कौन है ना से नौटा समय हो गला अनंतरम सह मंदंग मंदंग विद्यालय अगछत यहाँ पर कौन है ना अनंतरम यहाँ कौन है मंदंग मंदंग माने धीरे धीरे तो माधव धीरे धीरे कौन कले विद्यालय को गले जावदसौ कक्षा समीपम अगछत तावत सर्वे छात्राः कक्षायाम् उपस्थिताः आसन पाठस्य आरंभ अपि अभवत् तो पिला माने जेतेबेले माधव कौन कले से अर्थात किए माधव श्रेणी निकट को गले सेतेबेले समस्त छात्र सर्वे छात्राः कक्षायाम् उपस्थिताः समस्ते श्रेणी रे उपस्थित थिले पाठस्य आरंभ अपि अभवत् पाठ पढ़ा मध्य पिला माने आरंभ हो जाइतिला शिक्षक तस्मै कक्षायाम् उपवेष्टुम् अनुमतिम् प्राददा तो शिक्षक कौन कले ना माधव को श्रेणी रे बसिबा को अनुमति देले से धीरे धीरे श्रेणी निकट को गले पाठ पढ़ा आरंभ हो जाइतिला छात्र माने मध्य विद्यालय श्रेणी गृह रे उपस्थित थिले श्रेणी रे उपस्थित थिले तो शिक्षक तांकू श्रेणी रे बसिबा को अनुमति देले अनुमतिम् प्राददात् परंतु अवदत् भोः छात्र भवान् यथाकालम् आगच्छतु किंतु कहिले हे छात्र आपण ठीक समय रे आसंतु। वर्तमान आम विषय टी बुझि नेले ना पिला माने तो वर्तमान आम जानिले जेतेबेले माधव विद्यालय को आसिले प्रस्तुत हेला समय रे ही नौटा समय हो जाइतिला एवं जेतेबेले से विद्यालय को आसिले श्रेणी रे पाठ पढ़ा आरंभ हो जाइतिला शिक्षक तांकू अनुमति देले श्रेणी रे बसिबा पई किंतु कहिले ठीक समय रे आस। वर्तमान किछि रेखांकित पदमानंकर सकारण विभक्ति को आमे आलोचना करिबा देख नववादने कक्षा आरंभ नववादने नववादने अर्थात नौटा समय रे तेणु एठी अधिकरण कारक काला अधिकरण सप्तमी व्यक्ति होइछि सह विद्यालय अगछत स कर्ता तेणु कर्तरी प्रथमा परवर्ती देख पिला माने भो छात्र यथा कालम अगछतु हे छात्र यथा माने ठीक समय रे आसन तो एठी छात्र पिला माने कौन हिची ना संबोधन चिन्ह अछि संबोधने प्रथमा। वर्तमान किछि वाक्य रचना अछि देख पिला माने जदा तदा दुटी अव्यय पद अछि याकु नै वाक्य रचना आमे केमिति करिबा देख जदा सूर्य उदेति तदा कमलम विकसति आमे जहाँ भी पढ़ब ताकु नै कि आमे वाक्य रचना करि परिबा जदा हेउ बा तदा हेउ आमे एमिति लेखि परिबा जेतेबेले सूर्य उदय हुन्ति जदा सूर्य उदेति तदा कमलम विकसति सेतेबेले पद्मफुल फुटे। परवर्ती वाक्य देख मंदंग मंदंग
कछप मंदंग मंदंग अच्छति कईं किपर जाऊँ कछप मंदंग मंदंग धीरे धीरे जापारे बर्तमान सारांश को बुझने वा तो आम माधव ग्राम विद्यालय पाठपढ़ा शेष कर उच्च विद्यालय को उच्च विद्यालय से नाम लिखाइले एवं से कौन कले गोटे आवासिक विद्यालय नाम लिखाइले तो माधव पाठपढ़ा शेष कले गाँव विद्यालय एवं उच्च विद्यालय को गले एवं गोटे आवासिक विद्यालय जो रहिबार व्यवस्था अच्छी से नाम लिखाइले बापा विद्यालय छात्रावास रवस्था कर समस्त जिनसपत्र उपकरण देले विद्यालय माधव प्रथम दिन माधवंकर प्रथम दिन पूर्व राति सूचना मिलला से पाइले जे नौटा समय पाठपढ़ा आरंभ हेब माधव विद्यालय को जिबागु जेते बेले प्रस्तुत होउछंती सेते बेले कौन हो जाइथिला नौटा समय हो जाइथिला या परे से कौन कले धीरे धीरे विद्यालय को गले जेते बेले से श्रेणीगृह निकट को गले सेते बेले कौन हेइथिला ना छात्र माने श्रेणी रे उपस्थित थिले पाठपढ़ा मध्य आरंभ हो जाइथिला शिक्षक तांको श्रेणी रे बसिबा को अनुमति प्रदान कले किंतु कहिले हे छात्र माधव आपण ठीक समय रे आसंत बर्तमान आम किसी प्रश्नोत्तर को आलोचना करने देख पिला माने आशा कर बुझिथिब किसी प्रश्नर उत्तर दे पार देख कस्यचित प्रतिष्ठित जनस्य महान गुण कह कौन से एक प्रतिष्ठित लोकर कौन महान गुण अटे हाँ ठीक उत्तर समय अनुवर्तिता परवर्ती प्रश्न माधव कुत्र पाठ्यम पाठम समाप्य उच्च विद्यालय मगछत माधव कौटि पाठपढ़ा शेष कर उच्च विद्यालय को जाइले हाँ ठीक कौटि ग्राम विद्यालय परवर्ती प्रश्न कतिवादने कक्षा आरंभ केतटा बेले श्रेणी आरंभ पाठपढ़ा आरंभ हुए हाँ ठीक उत्तर नौटा बेले परवर्ती प्रश्न सर्वे छात्रा कुत्र उपस्थित आसन समस्त छात्र कौटी उपस्थित थिले ठीक उत्तर श्रेणी रे बर्तमान आम परवर्ती प्रश्न को आलोचना करिबा आशा करछि तुमने ठीक उत्तर दे पारिबो कक्षा आरंभ संधि विच्छेद कले कौन हेबो हाँ ठीक उत्तर कक्षा युक्त आरंभ नववादनम युक्त अभवत संधि कले एकत्र कले कौन हेबो बस बहुत सुंदर उत्तर नववादनम अभवत परवर्ती प्रश्न रेखांकित पद से सकारण विभक्ति लिखत रेखांकित पदर सकारण विभक्ति आम लिखा सर्वाणी साधना नहीं तस्मी दत्तवान सर्वाणी आम पढ़ीचे कौन हेब हाँ ठीक उत्तर कर्मणि द्वितीया बर्तमान किसी गृह कार्य देख पाने निज भाषा वाक्यत्रेण उत्तरम लिखत माधव जदा प्रथम दिवसे कक्षा समीप मगछ तदा किम अपश्यत माधव जेतेबेले प्रथम दिन से विद्यालय श्रेणी निकट को गले सेतेबेले कौन देखिले आशा करछि तुम्हें माने उत्तर टिकु लेखि पारिबो धन्यवाद।